आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक साइकिल का रिम, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली जो है ऐसे करके नचाते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से नाचता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा एक नॉर्मल रस्सी का, जो कि देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल साइकिल का रिम है, इसमें ये जो है जब इसको हम पकड़ लेते हैं और रोटेट करते हैं तो ये स्थिर रहता है, यानी ये नॉर्मल रहता है। और ये जो हमारा पूरा रिम है ये क्या होता है, ये रोटेट होता है, आप देख सकते हैं ये रोटेट होता है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसमें रस्सी बांधते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। तो चलिए रस्सी बांध के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो है ये साइकिल का रिंग है, उसमें हम सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं कि मैंने धागा को बांध दिया, आप आसानी से देख सकते हैं। और जब धागा को बांध दिया है तो आप जो है इसका देख सकते हैं कि जब हम इसको नॉर्मल ऐसे करके नॉर्मल पकड़े रहते हैं तो ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसको हम कितना भी घुमा लें ये ऐसे ही रहता है। लेकिन एक अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, आप देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मली इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको रोटेट करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है अब फ्लैट नहीं हो रहा है और ये बहुत ही आसानी से जो है ये रोटेट हो रहा है, और ये सीधा रोटेट हो रहा है, यानी खड़ा रोटेट हो रहा है, और ये अपने में भी रोटेट हो रहा है, ये और ये स्वयं में भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम के कारण होता है और इसको हम लोग गायरोस्कोप बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। आप देखिएगा कि नॉर्मली जो है ये फ्लैट है, लेकिन जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही अच्छे से फ्लैट होके, फ्लैट नहीं हो रहा है, और ये जो है स्ट्रेट होके रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये खुद में भी जो है रोटेट कर रहा है। चलिए एक बार हम दूसरे हाथ से ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल अभी फ्लैट है। ठीक है, और जब इसको हम इसे खड़ा करेंगे और खड़ा करने के बाद जो है इसको हम इसे नॉर्मल रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपके सामने है। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इंटरेस्टेड है। तो अगर जो आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। अगर जो आप कमेंट करेंगे तो आप पहले पर्सन होंगे जो हमारे इस चैनल पे कमेंट करेंगे। तो मैं आपसे इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक कमेंट तो कर दीजिए, आपका नाम मैं मेंशन अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा, क्योंकि यार मेरे वीडियो पर अभी तक एक भी कॉमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये फुल्ली साइंस एक्सपेरिमेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, ग्रेविटी के कारण ये फ्लैट होता था। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो इसे बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल इसमें समझना तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कोई भी होंगे, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे या कोई भी होंगे, उन्हें ये आसानी से समझ में आ गया होगा ये जो है क्या है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर जो मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।